लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन के दूसरे दिन जिला कलेक्ट्रेट में गहमागहमी रही, जहां पर जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ में वहां पर नामांकन भरे। ज्योति खंडेलवाल के कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले ही यहां पर महापौर विष्णु लाटा, विधायक गंगा देवी, अमीन काजी जयपुर वहां पर पहुंच गए और जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने से अनौपचारिक बातचीत की। सभा के बाद पैदल ही रोड शो करते हुए ज्योति खंडेलवाल के साथ में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक रफीक खान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर नामांकन कक्ष में नियमों को ताक पर रखते हुए जनप्रतिनिधि के साथ में करीब 100 से अधिक कार्यकर्ता पहुंच गए, जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मेयर विष्णु लाटा और कुछ कांग्रेस पदाधिकारियों को कक्ष से बाहर निकालते हुए पुलिस अधिकारियों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के बाद में ज्योति खंडेलवाल ने बताया कि यह चुनाव मुद्दों का चुनाव है, सभी जाति सभी धर्मों को साथ में लेकर विकास के मुद्दों पर इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इस बार जुमलों पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, विकास के मुद्दे और जमीनी हकीकत के साथ में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी। कांग्रेस की जीत तय है, ज्योति खंडेलवाल जयपुर की बेटी है, जयपुर की जनता को यदि पुण्य कमाना है तो मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं कि जो व्यक्ति ज्योति खंडेलवाल को वोट करेगा उसको निश्चित रूप से पुण्य मिलेगा, क्योंकि बेटी को जब आशीर्वाद देते हैं तो जब बेटी को आशीर्वाद मिलेगा तो पुण्य मिलेगा, मुझे भरोसा है बेटी जीतेगी निश्चित रूप से। कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है, पूरे राजस्थान में एकजुट है, जयपुर में एकजुट है। कांग्रेस मिशन 25 को लेकर चल रही है और हमें उम्मीद है कि हम मिशन 25 के लक्ष्य को हासिल करेंगे। उन शिकायतों को मनभेद या मतभेद के रूप में नहीं लेना चाहिए, इतनी बड़ी पार्टी है, किसी के मन में कोई बात आई बात हो जाती है, कह देते हैं बात खत्म हो जाती है, लेकिन हम सब कांग्रेस के झंडे तले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से एक हैं। राजस्थान में नेतृत्व अशोक गहलोत जी का है, सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हम सारे लोग मिलकर राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर आज ज्योति खंडेलवाल ने जयपुर शहर से नामांकन दाखिल किया। ज्योति खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद है, मैडम किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने वोट किया? देखिए, आज मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है और मैं जयपुर की जनता की बेटी बहू उनकी प्रतिनिधि के रूप में जयपुर के विकास को और गति देने के रूप में, जयपुर की आवाज़ को संसद में बुलंदगी देने में और महिला सुरक्षा शिक्षा और रोजगार के अधिकारों को आगे बढ़ाने में उनके प्रतिनिधित्व करने के रूप में मैं अपने आप को जयपुर की जनता के सामने प्रस्तुत करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है जयपुर की जनता मुझे पूरा मत समर्थन आशीर्वाद दुलार देगी, जिससे कि ये जयपुर की जीत कांग्रेस के खाते में जाकर के एक नया इतिहास रचेगी। मैम कहाँ कहाँ लगता है कि इनकी जीत है, इनकी कांग्रेस की जयपुर शहर से जीत दर्ज होगी? जयपुर शहर से जीत दर्ज होगी, तो ऐसी कौन सी चुनौतियाँ सामने रहेगी जो इनकी जीत को? इनकी चुनौती नहीं, सांसद ने काम ही नहीं किया है, बीजेपी ने कुछ दिया नहीं है जयपुर को, कांग्रेस ने हमेशा से जयपुर को कुछ दिया है, इसीलिए जयपुर के कार्यकर्ताओं में जनता में बहुत उत्साह है, जोश है, उल्लास है। एक स्टिंग लगाता है इनके सामने आ रहा है, उसके लिए जनता ने नकार दिया उसको, जनता ही उसको फेक मान चुकी है, आप उसे बार बार बोल रहे हैं, जनता तो यही कहती है के बीच में कि बिल्कुल आप हौसला रखो, हम इस तरह की फेक न्यूज में नहीं आएंगे। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करती हूँ जनता से कि जनता आगे भी हो सकता है कि ऐसे फेक वीडियोस ऑडियोस जो हैं वो आए, पहले आप गहराई से सच्चाई जानिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस को वायरल करना जो है वो देश के लिए लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक हो सकता है और कहीं भी देश हित में नहीं हो सकता है, इसलिए पहले उसकी सच्चाई को जाने पहचाने और फिर अपने विवेक से अपने मतदान का उपयोग करें, सतर्क रहें, जागरूक मतदाता की तरह काम करें। तो ये थी ज्योति खंडेलवाल, जिन्होंने जयपुर शहर से आज कांग्रेस से पर्चा दाखिल किया है। जयपुर से रामकिशन सैनी के साथ लोकेश ओला, A1 टीवी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।